तालियां बजाने से तो बढ़िया है कि ये लेके आओ और मारो आराम से। सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ रोनकलस पालन फैमिली। और जो आज की वीडियो है जो मैं लेके आया हूँ मॉस्किटो किलिंग बैट, जो इलेक्ट्रिक बैट होता है एक, क्योंकि मच्छर बहुत आ रहे थे घर में और इस टाइम पे सबके घर में मच्छर आ ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो इट्स वाइज टू यूज़ मॉस्किटो नेट्स ड्यूरिंग द नाइट, और दिन में भी काफ़ी ज़्यादा मच्छर आते हैं उसके लिए मैं मॉस्किटो बैट लेके आया हूँ। अभी दिखाते हैं, उसकी टेस्टिंग चल रही है और मेरा छोटा भाई उसकी टेस्टिंग कर रहा है अभी। तो देखते हैं मच्छरों का भुरता बनाते हैं हम कैसे उनको इलेक्ट्रिक शॉक दे के उनको दी एंड करते हैं उनका। तो लेट्स गो। सो दिस इज़ द मॉस्किटो बैट, अब देखिए प्रोसेस चल रहा है अभी। झटके लगेंगे तो क्या होगा बता हमारा ही, और पहले भी मुझे एक बार झटके लग चुके हैं इसमें। अगर आप लोगों के भी घर में बहुत सारे मच्छर हैं तो ऐसा ही एक आदमी लीजिए और उसके हाथ में पकड़ा दीजिए ये बैट, बहुत ही सस्ता बैट आता है। और ये हमारा थर्ड बैट है, और इसके पहले जो दो बैट्स थे वो शहीद हो चुके हैं बेचारे, ख़राब हो गए वो। तो अगर आप साल में भी एक बैट लेते हैं तो 200 और 250, 300 रुपये, 400 रुपये तो बहुत बढ़िया है ना, टैंगो वन से तो बढ़िया है। तो ये बाहर देखते हैं डेमो, आजा। बस यही होता है लॉकडाउन में, जब बंदे उनके पास कोई काम नहीं होता तो मच्छर या मक्खी यही मारा जाता है। चलिए चलिए भाई के पास आएंगे। देख मच्छरों के लिए तो हम बाहर आए थे और बाहर कोई मच्छर है नहीं, और हमारे जो मॉस्किटो किलर है वो भी परेशान हो चुके हैं। मिला एक मच्छर, यस मिल रहा है। तो ही इज़ डूइंग हिज जॉब क्वाइट ब्रिलियंटली विद दिस हेल्प ऑफ मॉस्किटो बैट, इट्स लाइक ए किलिंग मशीन। आप भी मज़े ले सकते हैं मच्छरों को मारने का, है ना। तालियां बजाने से तो बढ़िया है कि ये लेके आओ और मारो आराम से। और ऑल आउट जो लगाते हैं उससे भी कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, कभी ऐड में तो दिखाते हैं कि मच्छर भाग जाते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हम भाग जाएंगे लेकिन मच्छर नहीं भागते ऑल आउट से। कौन कंपनी का बैट है ये, इट कॉस्टेड मी अराउंड 250 bucks। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है इसको यूज़ करना, एवरीबडी कैन यूज़ इट एक्सेप्ट किड्स। किड्स का बहुत ध्यान रखिए, उनको ये चीज़ें खेलने के लिए मत दीजिए क्योंकि इसमें 2500 वोल्ट्स का काफ़ी हाई वोल्टेज है तो उनको झटके लग सकते हैं। और जब भी आप यूज़ करें तो आप भी ध्यान रखिए क्योंकि मुझे खुद झटके लग चुके हैं और उसका झटका बहुत ही ज़्यादा होता है। और जब भी आप ये नया बैट लेके आए घर में तो उसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए, और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए होते हैं कैसे उसको यूज़ करना है और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो क्विकली मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। फर्स्ट यूजेज से पहले तो उसे 5 घंटा इसको आप चार्ज कीजिए तब इसको यूज़ कीजिए, लेकिन जनरली लोग ऐसा करते नहीं है, ना हमने ऐसा किया कभी। ये तीसरा हमारा बैट है और हम आते ही इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बट दिस नॉट अ गुड प्रैक्टिस। और प्लस जब भी इसको आप इसको चार्ज करेंगे तो इसको ऑफ मोड में चार्ज कीजिए, क्योंकि ऑन मोड में करेंगे तो शॉर्ट सर्किट का खतरा है, तो इट कैन बी हजार्डस। और वन थिंग मोर, जब इसमें मच्छर वगैरह फंस जाते हैं मरने के बाद तो फिर भी ये बैट आवाज़ करता है, तो जिससे पावर वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको दूर करने के लिए आप जैसे इसको टैप कीजिए इसके नेट पे, और या ब्लो कीजिए किसी चीज़ से या ब्रश से इसको मच्छरों को आप साफ़ कर दीजिए, तो मच्छर हट जाएंगे और वेस्टेज कम हो जाएगी। और फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स के पास इसको यूज़ नहीं करना है, और आज के टाइम पर तो सैनिटाइजर्स वगैरह सबके घर में हैं और वो काफ़ी हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, तो उसके पास आप यूज़ मत कीजिएगा। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि किड्स जो बच्चे हैं, हमारे घर में खुद एक छोटा बच्चा है और बच्चे शैतानी करते रहते हैं, उनको पता होता नहीं है, तो प्लीज़ उनसे इसको दूर रखें। तो आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और बनी रहिए चैनल के साथ।